सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की जो हमारी वीडियो है ना यार, वो काइट मार्केट के ऊपर होने वाली है। तो मैं अभी काइट मार्केट पे ही हूँ। कौन सी मार्केट है भाई? लाल कुआ मार्केट पे ही हूँ। तो आज हमारे साथ कौन है देखने भाई, आज मिलवाओ गाइस। तो सैम भाई भी हमारे साथ है, तो दोनों भाइयों को वीडियो बना देंगे, पूरी मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे, रेट बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। हाँ, ठीक है, वीडियो पूरी देखना एंड तक, बहुत अच्छी होने वाली है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, 2K सब्सक्राइबर बहुत करीब है हम, 2K सब्सक्राइबर, और भाई के 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, तो कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, भाई का चैनल भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे, आपको मैं पूरी मार्केट दिखाता हूँ। इस मार्केट का पूरा एड्रेस वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी ये लाल कुआ में पड़ती है मार्केट, तो चलते हैं यार, देखते हैं। बाकी यहाँ पे भीड़ तो है नहीं ज़्यादा, अभी सुबह सुबह का टाइम है, हम जल्दी आ गए थे। अगर हम दिन में आते तो हमें बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है यहाँ पर, और वैसे भी ईद का टाइम है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, चलो स्टार्ट करते। तो गाइज, ये सारा लाल कुआ मार्केट है, यहाँ से पूरा आगे तक। तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से आपकी ना काइट शॉप सारी स्टार्ट हो जाएगी, होलसेल रिटेल की जो भी है, तो सारा स्टार्ट हो जाएगा। एक बार देखते आगे चलते हैं। फिलहाल तो मैं आ गया हूँ नईम काइट हाउस, तो यहाँ पर भैया की शॉप मिली है मुझे, तो भैया से बात करते हैं एंड सारी चीज़ें जानते हैं, क्या से क्या रेट होने वाले, प्राइजेस क्या होने वाले काइट के। बाकी ये जो सारा है ये होलसेल का है, और रिटेल का भी है, रिटेल का भी पूछेंगे अगर रिटेल का हुआ तो। बाकी होलसेल है अभी, तो हम पहले होलसेल जानते हैं कि क्या क्या प्राइस में हमें मिल जाएगा, सब कुछ, पतंग से लेकर चरखड़े तक सब कुछ। तो वीडियो को पूरी देखना, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और भैया से बात करते हैं कैसे कैसे रेट्स होने वाले हैं। कुछ लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है। बाकी मैं इसकी फ़ोटो एक बार इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको आईडी दिख रही होगी। तो गाइस, इस टाइम पे ना जो शॉप के ऑनर हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं पूरी पतंग और पूरी चीज़ें चरखड़े के बारे में। तो सर, आपका नाम क्या है पहले आप नाम बता दीजिए? मोहम्मद सलीम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर पतंग के बारे में, आप जिस हिसाब से होगा वो सारी चीज़ें आप बताइए कि क्या क्या प्राइस है। पहले बात तो मेरे शॉप का नाम है नईम काइट हाउस, जो हमारी दुकान तकरीबन 28 साल पुरानी है। और बाकी अभी अब सैंपल मैं आपको सामने स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं तिरंगा पतंग, ये छोटे में आती है, ये आपको 180 रुपये की 100 पीस पड़ेंगे। मैं जो भी रेट बोलूँगा वो 100 पीस के रेट बोलूँगा, तो आप इससे आप आइडिया खुद लगा लीजिएगा। ये 180 रुपये की 100 है, ये 190 रुपये की 100 पीस पड़ते हैं आपको। फिर हम उसके बाद बात करते हैं अपनी, ये देखिए, फिर हमारी ये आ जाती है रामपुर की ढाई वाली, जिसको ढाई वाली बोला जाता है, ये आपके 350 रुपये की पड़ती है। इसमें कलर डिज़ाइन कम से कम 8 से 9 होते हैं। फिर अब ये आ जाते हैं हम मंजोले पे, ये मंजोला आपको पड़ता है 390 रुपये। इसमें ये भी इसका डिज़ाइन होगा, और ये हमारी बरेली की फैंसी मंजोले में आ जाती है, जो 470 रुपये पड़ेगी। बट ये रेट ओनली होलसेल है, अगर होलसेल रेट है, अगर आप कम से कम 300 लेंगे 300 पीस, तो आपको इस रेट में मिलेगा। अदरवाइज़ 390 वाली 450 रुपये, 460 वाली 500 रुपये पड़ेगी। रिटेल के अंदर 50 से 60 रुपये का रेट इंक्रीज होगा। ये चेस के अंदर हम बात करते हैं, ये आपको पड़ेगा 490 रुपये। तिरंगा बात करते हैं, 430 रुपये, ये अधे के अंदर साइज़ आता है सारा ये। फिर हम मंजोली से अधी में बात करेंगे, ये अधी आपको बैठेगी 490 रुपये। ये फैंसी में आ जाती है अधी हमारी, शतरंज के अंदर में चार खाने 520 रुपये। कलर डिज़ाइन बहुत सारे होंगे, हर साइज़ के अंदर कम से 8 से 9 होंगे, हर एक डिज़ाइन का कलर अलग अलग। कलर डिज़ाइन काफ़ी होंगे। ये हम बात करते हैं बरेली की अधी की, ये आती है हमारी फैंसी के अंदर, जो मैदानों में उड़ाई जाती है। ये आपको जो होलसेल में रेट पड़ेगा, ये आपको बैठेगा 580 रुपये का, ये रिटेल में 800 से 900 रुपये सैकड़ा यहाँ बिकती है। और ये आ जाती है हमारी पोने की पुच्छल, ये आपको बैठेगा 620 रुपये की 100 होलसेल में। और ये आ गया हमारा मोर, ये जो मोर आप साइज़ देख रहे हो ये है पोने का मोर, ये गुड्डा भी बोला जाता है इसको, गुड्डा बहुत सारे नाम है, कोई इसको कूला बोलता है, कोई गुड्डा कहता है,
बहुत सारे नाम रख रखे हैं। इसका असल नाम होता है लग्गू, लग्गू नाम, ये पोने का होता है ये। इतना बड़ा लग्गू आपको पूरे लालगुना में सर्च करोगे आपको मिलेगा नहीं। और ये एक आता है, ये नया मॉडल, इसको बोलते हैं तिग्गा। तिग्गा जी, इसमें कलर डिजाइन काफ़ी होंगे। ये दोनों एक तरह से इसके कान की तरह होते हैं, ये लटके होते हैं इसके। हाँ, ये हमारा फैंसी पोने में आता है, ये आपको होलसेल में पड़ेगा 680 रुपये। अब ये इसका पर पीस पे कितने रुपए? ये आपका अगर होलसेल में देगा तो 6.80 रुपये का एक पीस पड़ा। अगर 680 रुपये बोला है मैंने तो 680 रुपये के 100 पीस हो गए। अच्छा। और अगर आप रिटेल में लेते हैं 50-100 पीस तो ये 800 रुपये की 100 पीस पड़ेंगे आपको। अच्छा। फिर हम बात करते हैं बरेली की पोना। बरेली का पोना, इस पर मोर जो हार को कहते हैं फ्रंट, उसके बैक साइड पर मोर होती है। कागज अच्छी क्वालिटी हुआ। बरेली से ऊँची पतंग कहीं नीचे नहीं आएगी, आप पतंग के पेपर चेक कर सकते हैं। और सबसे मेन बात जो होती है, ये सिंगल पेपर के अंदर होता है सारा। जितना बड़ा सिंगल पेपर होगा उतनी महंगी काइट होती है। और फिर अभी एक बात करते हैं हम मोर की, जो अभी आपने पौने का मोर देखा था, ये पौने से भी बड़ा मोर है, ये डेढ़ मोर है ये। और एक ये रहा जो हमने दिखाया था मैदानी पौने में, इसी के अंदर आपको काला नीला ये दो तीन कलर में ही आता है मैदानी के अंदर। ये देखिए, ये भी वही रेट पड़ेगा आपको। तो भैया हमें अब पन्नी की वैरायटी में दिखा रहे पतंगे, जो आपके हमारे जैसे बच्चों के जो पसंद करते हैं पन्नी के अंदर की, पन्नी वाली पतंगे दिखाएंगे भैया हमें, जो हमारे बच्चों के हिसाब से जो चलती है। फिर ये प्रिंटेड में होती है, इसमें सारे कार्टून्स में आते हैं। ये 270 रुपये की आपको 100 पीस पड़ेंगे। ये देखिए, और ये आती है झालर के अंदर, ये आपको 300, हाँ ये 300 में आई, ये 380 रुपये, सॉरी 380 रुपये की 100 पीस पड़ेंगे। 100 पीस पड़ेंगी। ये आपको बैठेगा 300 रुपये के 100 पीस, ये साइज भी काफ़ी बड़ा होगा। ये आपको बैठेगा 370 रुपये के 100 पीस। ठीक है, बाकी मैं पतंगों की वैरायटी देख रहा हूँ, अच्छी है, बहुत अच्छी वैरायटी लग रही है। जैसे अभी आपने कागज़ के अंदर मोर देखा था, इसी तरह पन्नी का मोर आता है। पन्नी का मोर आता है ये वाला होगा, जिसको हम लग्गू बोलते हैं। ये आपको 330 रुपये की 100 पीस पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं जो बच्चे चलते हैं डोरेमोन वगैरह, बहुत सारे कार्टून हैं, शिंग शेंग लाइक ये वाला आपको, हाँ शिंग शेंग लवर, ये आपको 520 रुपये की 100 पीस पड़ेंगे। इसको पोना बोलते हैं, पोना। जो मैंने आपको बरेली का पोना दिखाया था, ये वो साइज होता है पन्नी के अंदर की आपका वाला। ठीक है। और एक ये आती है हमारी स्नैक काइट, ये तो बहुत बड़ा साइज लग रहा है, इसमें पूछ आ जाती है आपकी। इसकी आप पूछ देखेंगे तो ये आसमान में बिल्कुल साफ कितना उड़ता है, क्या हर को इसके पीछे भागता है, इसको पतंग काटो ना काटो, पहले इसकी दुम काटनी है पहले इसकी। फिर हम बात करते हैं हम लग्गू की, ओ सॉरी, ये आ गया हमारा पौने का रॉकेट। पौने का रॉकेट आ गया, ठीक है। ये वाला बैठेगा आपको 550 रुपये की 100। 550 रुपये की 100 पतंग जी। अब हम बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, मोदी जी की पतंग है यहाँ पर। ये देखिए पतंग का साइज देखिए, कि मेरे कहाँ से कहाँ तक का हाथ में कवर कर रखा है। बहुत बड़ा साइज है। ये आपको अगर आप रिटेल में लेंगे तो 20 रुपये की एक, अगर सैकड़े के हिसाब से लेंगे तो 1300 रुपये का सैकड़ा पड़ेगा इसका आपको। ये रही आपका पन्नी के अंदर, और इसी के अंदर काफ़ी डिज़ाइन भी होंगे मेरे पास तिरंगे में, और भी बहुत सारे मल्टी कलर्स होंगे। और फिर इसी साइज़ के अंदर हम बात करते हैं पेपर के अंदर, ये देखिए, ये पेपर के अंदर इसी साइज में मिल जाएगी आपको। ये आपको बैठेगा 1600 रुपये की 100 पीस। 1600 रुपये की 100 पीस। और रिटेल में अगर आप लेते हैं तो 80 रुपये की 4 पीस पड़ते हैं। बट जुलाई जुलाई अगस्त में आते आते हर चीज़ पर रेट बढ़ जाता है, क्योंकि अभी जो स्टॉक्स है वो सारा भी निमटना शुरू हो चुका है। बाद में कस्टमर कहते हैं भाई आपकी वीडियो में आपने रेट ये बोले थे, तो भाई हो आप जो वीडियो देख रहे हो तो जुलाई में ही आ जाओ, एंड में आओगे तो रेट बहुत तेज हो जाएगा। अभी जुलाई एंड होने में 10 दिन है। हाँ, तो जितना हो सके अभी 10 दिन का ऑफर है, इसके बाद जब रेट इंक्रीज होगा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे कुछ चरखड़िया है जो मैं दिखाता हूँ आपको, तो भैया से इनका रेट पूछ लेता हूँ एक बार, कितना रेट है? तो भैया एक बार इनके रेट बताना, एक बार ये वाली का रेट बताओ कितना है। ये पड़ेगी आपको 120 रुपये दर्जन। 120 रुपये की ये पूरे पैकेट मिल जाएगा। हाँ, एक यानी कि 12 पीस 120 रुपये के, और ये 12 पीस आपको पड़ेंगे 100 रुपये के। बाकी ये रिटेल में कितने का जाता है? ये रिटेल में 30-25 रुपये पर पीस बिकता है, ये छोटा वाला 15-20 रुपये पर पीस बिकता है। 15-20 रुपये पर पीस आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको शॉप के लिए लेना है तो आप ये ले सकते हो, बहुत सही है शॉप के लिए। भैया मांझे के अंदर हमारे को वैरायटी दिखा रहे हैं, क्या क्या मिल रहा है? ये देखिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं चरखी, ये रियासत की है, इस चरखी में ये रियासत की है। झूठ बोलने को 6 रील होती है,
जैसे आप देख सकते हैं छह रील का निशान होगा, का निशान है यहाँ पर। बट मैं पर झूठ बोलने वाला काम नहीं है, है। इसमें ईमानदारी के ढाई रील होते हैं, तीन भी नहीं होते हैं, ये आपको बता दूं। ठीक है, ठीक है। अब ये चरखी अब हम खोलेंगे डीके की। इसमें झूठ बोलने को छः, बट इसमें छः हैं, मगर पाँच पाँच सौ वाले छः हैं। अगर आप इन दोनों का वज़न भी देखोगे ना उठा के, तो आपको वज़न से आइडिया लग जाएगा कि इसमें पूरे तीन होंगे, इसमें 500 मीटर कम होगा। वज़न का फ़र्क आता है। और ये वाला पीस आपको बैठेगा 280 रुपये का, ये पीस बैठेगा 250 रुपये का, 30 रुपये का अंतर आएगा। बट होलसेल ये पीस एक रेट पड़ता है 350 रुपए का, 400 रुपए होलसेल में आपको कम से कम तीन से चार पीस लेने पड़ेंगे। ओके। अब हम बात करते हैं पांडा सी 28 में। तो पांडा चरखड़ा आपने बहुत नाम सुना होगा, तो भैया दिखा रहे हो आपको। मेरे अलावा पूरी मार्केट में अगर आप सर्वे करोगे तो आपको हर कोई बोलेगा तीन रील है। क्यों? इस पे तीन रील का ठप्पा भी लगा होगा। ठप्पा देख रहा, ये देखिए, ये लिखा हुआ तीन रील, तीन रील है, और पर्ची भी तीन रील की होगी। बट इसमें तीन नहीं होते, साफ क्लियर बोलूं, इसमें तीन रील होते हैं छोटे वाले। अगर इनको डिवाइड रखा जाए तो 2000 मीटर होगा दो रील, ईमानदारी की इसमें पूरे दो रील होंगे। और ये होगा पूरा नौतार का, मगर ये आपको पीस बैठेगा 280 रुपये का पीस। 280 रुपये में आपको वो पीस पड़ जाएगा। इसी चरखी को जितने भी मार्केट में बैठे हुए हैं सब बोलेंगे छः रील है, कि चरखी साइज़ बड़ा है, बट नहीं, इसमें भी आपके सिर्फ तीन रील होंगे। ये जो होगा पूरा पांडा सी 28 के अंदर नौ तार की डोर होगी। इसमें कितनी रील होगी? अभी तीन रील होंगी इसमें, ईमानदारी के पूरे तीन रील। और इसका प्राइस क्या होगा? ये होलसेल में आपको बैड रेट बढ़ेगा 380 रुपए का एक पीस, 380 रुपए का एक पीस पड़ेगा। हाँ, और रिटेल 450 रुपए। हाँ या ना? 450। ज्यादा बार्गिंग वाले रेट में बोलता नहीं ना, मुझे अच्छा लगता सबको। बात करते हैं हम अपने मैदानी डोर पे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं टीपू सुल्तान की डोर है, छह रील बोला जाता है, मगर इसमें छह नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज़, एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा, जितनी डोर होगी उतने बताया जाएगा। इसमें पांच रील को छः में बनाया जाता है। ये आपको पीस बैठेगा 390 रुपये का पीस, 390 रुपये में आपको ये पूरा चरखड़ा मिल जाएगा। इसमें ये समझ लीजिए आपके पांच वर्धमान के गिट्टे हैं, 900 मीटर के पांच हैं इसके अंदर, उसको छः में डिवाइड रखा जाता है। ये ऐसा चरखड़ा दिखाओ जिसमें सबसे ज़्यादा रील हो। अभी सेकेंड नंबर उसी का आ रही है, इसके बाद उसी का नंबर है। ये जो आप डोर दिखा रहा हूँ जाफरी की, ये पूरा छः रील में होगा। ये पूरा आपको छः रील में मिल जाएगा। अब दोनों का फर्क, अगर बहुत से कहते हैं कि भैया आपने एक ही चरखी बदल लाओ, तो अब ध्यान से देखो चरखी में फर्क आ जाएगा। चरखी छोटी बड़ी आपको अलग ही दिख जाएगी। ये वाली आपकी बड़ी पड़ती जी, ये पूरे छः रील है। ये आपको बैठेगा 450 रुपये का एक पीस। और अब बात करते हैं मैदानी के अंदर 12 रील की। इस पे से अभी दो रील उतर चुके हैं, तो 10 रील पे अभी भी इतना गेटअप है इसका। ये 10 रील आप देख रहे हो, बट दो रील उतर चुकी है। हाँ, 12 रील का चरखा पूरा पैक होगा, दो रील उतर चुके। ये अगर आप होलसेल में अगर मुझसे लेते हैं तो ये आपको रेट पड़ेगा 1250 रुपए का पीस, 1250 रुपए का आपको ये एक पीस पड़ेगा। ये मैदानी के अंदर है, ये अभी पूरे डिस्काउंट के साथ ही रेट है ये मेरे अभी। जैसे कोई आता है तो उनको डिस्काउंट मिल जाए? डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी पे, क्वांटिटी पे कि कितना माल आप ले रहे हो। अब मुझसे बोलोगे भैया मुझे 20 पतंग चाहिए, एक ग्रिल चाहिए, उसमें मैं क्या डिस्काउंट करूंगा? मेरी दुकान की जो सबसे टॉप चरखी है वो ये है 24 कैरेट गोल्ड में, यह शान मियां की डोर जो मैदानों में उड़ाई जाती है। ये आपका होलसेल के अंदर ही रेट इसका 820 रुपए का रेट है, 820 रुपए का होलसेल। आपके पास कितने की मिलेगी ये? हमारे हम जो रिटेल में करते हैं 1500-2000 की चरखी बिकती है। अब आपको थोड़ी सी मैं आपको फैंसी चरखी दिखाता हूँ खाली में। ये देखिए, ये 12 रील की चरखी होगी, 12 रील की चरखी, तिरंगा डिजाइन है। इसके अगर मोटाई देखेंगे फाइबर की, तो ये 10 mm मोटा होगा गिट्टा इसका। ये आपको बैठेगा 450 रुपए का पीस, 450 रुपए का चरखड़ा आपको ये पड़ेगा, बहुत अच्छा। और ये डिजाइन भी अच्छा है, इंडिया के फ्लैग से तरह डिजाइन है पूरा। इसी के अंदर यही 450 रुपए का ये भी होगा, ये भी इसमें ये ट्रांसपेरेंट तिरंगे पे होगा। बाकी मेरे को एक चीज बताओ भैया, जैसे इनमें हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाए? इसमें थोड़ा बहुत हो जाएगा। अच्छा,
कितना हो जाएगा आपके हिसाब से? फिर भी ये एक रेट हाँ या ना वाला रेट होगा मेरे पास 400 रुपए। ये 12 रील है। अब हाँ इससे भी हेवी की क्वालिटी में बात करते हैं तो अब ये आएगा। देखिए अब इसकी फिनिशिंग, इसकी डंडी पे भी वॉर्निश हुई होगी पूरी और डिजाइनिंग कटा होगा पूरा। इसके जो गिट्टा है ये है आपका 12 mm का गाली गिट्टा गिट्टा लगा हुआ है। इसी के जैसे ये फैंसी जो डिजाइनिंग देख रहे हैं इसी के अंदर कम से कम 8 से 10 डिजाइन होंगे मेरे पास। 8 से 10 डिजाइन इसी पे है। बाकी चरखे बाहर भी डिस्प्ले हुई है। जो 12 रील की चरखे अगर होलसेल में लेंगे तो 90 रुपये का एक पीस पड़ेगा और रिटेल में लेंगे 150 रुपये का। 6 रील में फैंसी चरखे में सारी बाहर आइटम लगी हुई है। बहुत सारी आइटम है, मैं भी ज़्यादा दिखाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसी के साथ एंड करते हैं। सो गाइस फाइनली हम अब वहाँ से आ गए क्योंकि यार वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी भीड़, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए हम वहाँ पे एंडिंग करना हमने सही नहीं समझा तो हम यहाँ पर एंड वीडियो को कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और रेट वगैरह आपने देख लिया, चल रही है ना इतनी मेहनत चल रही है, गर्मी में ना हालत खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो और शेयर जरूर करना अपने स्टेटस पे। सही बात है, सारे के सारे अपने स्टेटस पे शेयर जरूर करना। बाकी हम मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना कौन सी वीडियो हम बनाए अब अगली। हाँ थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा मुझे आइडिया मिल जाएगा उसके लिए कौन सी बनाए, ठीक है। तो वीडियो का एंड करते हैं, बाकी मिलता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।